देखिए ये तो कहने वाली बात है, वरुण गांधी जी ने खुलेआम साफ तौर पर बीजेपी को घेरा है और जिला प्रशासन को, क्योंकि यहाँ के वो सांसद हैं तो उन्होंने कई बार पत्र के माध्यम से भी भाजपा को घेरने का काम किया और भाजपा पे आरोप लगाए हैं उन्होंने। किसान आंदोलन का उनका महत्व मुद्दा रहा है और किसान आंदोलन पे उन्होंने भाजपा सरकार को, मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत घेरा है और उन्होंने सही बात कही है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बोलने में वरुण गांधी ने लेट बहुत कर दी। अब ये तो वरुण जी जाने कि उन्होंने लेट किया या सही किया, मगर जो भी कहा उन्होंने सही कहा। आज अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी 15 दिनों में गन्ने का बकाया भुगतान हम कर देंगे, और हाथ में किसान अन्न संकल्प लेता है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए आदरणीय अखिलेश जी ने तो वो जग जाहिर है, और उन्होंने जो संकल्प लिया उसको समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ सहयोग करके उसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी और इस भाजपा को जो झूठ और फरेब की राजनीति करती है उसे उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। चब्बा साहब बात से सहमत है, अन्न संकल्प ले लिया इन्होंने? देखिए इन्हें अन्न संकल्प लेना क्यों पड़ा, हाँ जब जो है पवन कश्यप जी के भाई को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराती है, जो रमन कश्यप जो है जीप से रौंद के मार दिए जाते हैं पत्रकार, तो ये बुलाते हैं उन्हें और अन्न संकल्प लेते हैं। ये डर गई है कांग्रेस से, इसे लगता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ जो किसान है, किसानों का मुद्दा जो है वो सही मायने में प्रियंका जी के साथ है, प्रियंका जी उनकी मदद कर रही है, प्रियंका जी पे विश्वास करते हैं। तो ये जो है अन्न की राजनीति कर रहे हैं, किसानों में किसान समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है, किसान जो है किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। इनकी सरकार जब रही है, आप कहते हैं इन पर भरोसा नहीं करते, बीकेयू तो इनके गठबंधन को समर्थन देने के लिए खड़े हैं। आज बयान दिया है कि हम उन्होंने कहा किसी को भी समर्थन नहीं करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे समाजवादी, उन्होंने कहा हम किसी को नहीं करेंगे। आप आज का बयान देखिए, अच्छा पलटी मार दी उन्होंने, पलटी नहीं मारी उन्होंने, जो भी बीच में रह गया होगा उन्होंने साफ बीच में रह गया होगा खैर साफ कर दिया। कब बयान बदलता है किसी को नहीं मालूम। मैं जल्दी से राजेश शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि लड़ाई इस बार तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, बीएसपी कहां है? ये गलतफहमी है, पीलीभीत जनपद की चारों की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी भारी अंतर से जीत रही, भारी बहुमत से जीत रही, भारी अंतर से बहुमत से चारों की चारों सीटें यहां से जीत के जाएगी। ठीक है चलिए बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, 221 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, उसी पर माथापच्ची चल रही है, उसी पर मंथन चल रहा है। अमित शाह जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी एक सूची जारी कर दी थी, बाकी 231 नामों की सूची भी बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द वो जारी हो जाए। 19 तारीख को फिर एक सीईसी की बैठक होगी, उसमें उस दिन कहा जा रहा है कि उस दिन नामों का ऐलान हो सकता है। रेखा जी इन्होंने अन्न संकल्प लिया और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब की बार बीजेपी के नेता जहां जहां जाएंगे वोट मांगने के लिए जनता उनकी कुटाई करेगी। ये तो सपने देख रहे हैं। अच्छा वो सपने देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार हमारी, माइक ऊपर रखें, माइक ऊपर रखें, सरकार हमारी बन रही है। अब ये सपने में ही किसको पीट रहे हैं, किसको खो रहे हैं, अभी तक क्या किया है देखा जा रहा है कि कौन पिट रहा है कौन नहीं पिट रहा है। रोज आए दिन बीजेपी के विधायकों को जूते से स्वागत कर रहा है, कोई नहीं पिट रहा है, कोई माला डाला है, कोई धक्के देके भगा रहा है, ये सपा का वापस जाओ, बीजेपी वालों वापस जाओ, आए दिन नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं रजा साहब, तो सोशल मीडिया में आपकी एक नेता का वीडियो भी वायरल है, भून डालो मार डालो, वो भी हिट हो रहा है आजकल, बड़ा वायरल हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे रजा साहब? उसको काट भुट्टा भूनने की बात हो रही थी क्या? पार्टी के नेता अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन से हटके बात नहीं करते, भाजपा के ही कहे गए अनुशासन में रहते हैं क्या? हमारे भाजपा वाले भाजपा गुंडों की पार्टी है, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 56 मुकदमे हैं, आपके पार्टी में जब पार्टी थी तो क्या होता था? गुंडों की पार्टी है, बच्चे भी नेता बन के शामिल हो जाए तो वो दूध का दूल्हा हो जाता है, सारे आरोप उसके ऊपर से हट जाते हैं, अन्य दल में जाता है, कुछ भी कर होता है, ख्वाब कितना भी देख लीजिए, सब जानते हैं, भाजपा क्या राजनीति करती है। बड़ा बढ़िया, आपने कहा कि जो भाजपा में जाता है वो दूध का नहाया हो जाता है, जी जी जी, सारे पाप उसके साथ हो जाते हैं। अखिलेश भैया, आपके अखिलेश भैया मुख्तार अंसारी से दूरी नाप लेते थे, 2016 में उनके कौमी एकता दल ने शिपाल यादव के साथ मिलकर के पार्टी विलय क्या करा लिया, अखिलेश भैया नाराज हो गए, अब आपके उनके मुख्तार अंसारी एंड ब्रदर सब दूध के दूल्हे हो गए। नहीं तो हमारे पार्टी में शामिल कहाँ हुए हैं वो? अच्छा पार्टी में शामिल नहीं, पार्टी में शामिल नहीं हुए, समर्थन तो है, समर्थन कहाँ है? अरे समर्थन नहीं है, समर्थन कहाँ है? खुला हुआ समर्थन कहाँ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेट से कौन सी खबर आई है? अच्छा
पक्का उनको कोई समर्थन नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई समर्थन नहीं है उनको। उनके बड़े भैया किसके पार्टी में आए हैं? हिब्बतुल्ला अंसारी किसके पार्टी में? हिब्बतुल्ला अंसारी गुंडे बढ़िया 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 प्रत्याशी के कमी मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे हैं, वो जेल में है। उनको ले रहे हैं, सपा वाले के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। सपा वाले के बाद प्रत्याशी बार बार रेखा परिहार जी बार बार बीजेपी आरोप लगा रहे की समाजवादी पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी दिए सारे के सारे प्रत्याशी देख लीजिए कोई दंगाई है, कोई बदमाश है, कोई गुंडा है। आपके एक पूर्व मंत्री है जी चौधरी बाबूलाल जी आगरा जी, उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव का टिकट दे दिया उनको, नहीं ऐसा वहां जुबान सिल जाएगी। उनके साथ तो ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना था कि उनके इतने केस लगे, लेकिन आगरा के पनवारी कांड में नाम है उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए।